सपा नेताओं की सुस्तियां इस लोकसभा चुनाव में देखने को मिल रही है, जिसका पूरा फायदा भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ उठा रहे हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर धर्मेंद्र यादव को उनको प्रत्याशी बनाया है, लेकिन अभी तक वो आजमगढ़ नहीं पहुंचे हैं। आपको हम बता दें कि मुबारकपुर विधानसभा में एक इख्तियार पार्टी में भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ वहाँ पे पहुंचे और इख्तियारी किए। हम आपको बता दें कि वहाँ पे निर्दल प्रत्याशी नगर पालिका अध्यक्ष रहे और उनकी बेटी इस समय वहाँ की चेयरमैन है। उनका पूरा परिवार और लाखों की संख्या में मुसलमान उनका समर्थन कर रहे हैं। इसका पूरा फायदा भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ को मिल सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि 2024 लोकसभा चुनाव में मुस्लिम किधर जाती है। तो मुबारकपुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से लगभग 7,500 वोटों से आगे थी। हम मुबारकपुर विधानसभा में बसपा से पीछे थे, उसके कुछ कारण थे, लेकिन इस बार सिर्फ मुबारकपुर में ही नहीं बल्कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी बढ़त हासिल करेगी और धर्मेंद्र जी लाखों वोटों से चुनाव जीत करके जाएंगे। निरहुआ का कोई जोर चलने वाला नहीं है। जहाँ तक उसके आफ्तारी पार्टी में शामिल होने की बात है, ये आफ्तारी पार्टी स्वागत की पार्टी नहीं है, न खुशी मनाने की पार्टी है। कहीं ना कहीं सरकारी दबाव के चलते जो लोग भी जनप्रतिनिधि के रूप में कुर्सियों पर विराजमान हैं या अधिकारी हैं या जो कारोबारी लोग हैं, प्रशासन के तरफ से उनके ऊपर दबाव है और दबाव के नाते तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं या आफ्तारी की दावत दे रहे हैं। निरहुआ को कोई दिल से आफ्तारी नहीं दे रहा है, ना निरहुआ का कोई स्वागत कर रहा है। निरहुआ इस बार लाखों वोटों से चुनाव हार करके यहाँ से जाएगा। जैसा कि आप बता रहे हैं कि दबाव में लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, तो उससे भी तो सपा का नुकसान ही होना है अगर जुड़ रहे हैं साथ में तो। वह सब के सब लोग दिखावे के लिए जुड़ रहे हैं, अंदर से सब लोगों ने मन बना लिया है इस देश में आरक्षण की सुरक्षा के लिए, संविधान बचाए रखने के लिए, बेकारी और बेरोजगारी से निजात पाने के लिए, महंगाई कम करने के लिए, जनता के तमाम मुद्दों पर, यहाँ तक कि पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी के लिए, इन तमाम मुद्दों पर सारे लोग लामबंध हैं और कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आपको हम बता दें कि एम वाई फैक्टर को देखते समाजवादी पार्टी 10 विधानसभाओं में कब्जा बनाई हुई है, लेकिन जिस तरह धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ अभी तक नहीं पहुंचे हैं, इसका पूरा फायदा दिनेश लाल यादव निरहुआ उठा रहे हैं। अब देखना होगा कि मुसलमान किधर जाते हैं। आजमगढ़, अमन गुप्ता, नव भारत टाइम्स।